हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू निवे ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे। तो और ये सुबह का टाइम है, सुबह का मीन्स 11 बज रहे हैं। नानू आज ना स्कूल गई थी, निवे नहीं गई थी क्योंकि ना मुझे कटनी जाना था। उसे पता चल गया था कि मम्मी आज कटनी जाने वाली है, हमें कुछ काम भी था। और चाचा आंटी के साथ हम जा रहे थे, चाचा आंटी बेटू भैया मैं और रामा, और रामा के पापा, हम इतने लोग जा रहे थे। एक्चुअली क्या है, कुछ बातें जो कि अभी मैंने शेयर नहीं की हैं, तो हमें कुछ शॉपिंग करने के लिए भी जाना था। तो बस हम लोग जा रहे थे, हम सब निकल पड़े गए थे। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, मैंने जल्दी जल्दी साड़ी पहनी फिर हम निकल गए कटनी। और क्या हुआ था, यहाँ पे महानदी में हम रुक गए थे। एक्चुअली क्या था ना, जो आंटी ने, जैसे कि पूजा होती है ना घर पे, जो हम भगवान जी को फूल चढ़ाते हैं वो हम कहीं भी नहीं डालते। जैसे हम कई बार होते हैं, हमारे घर के पास में एक कुआं है जो कि बंद हो चुका है, तो बस उसमें थोड़ा बहुत पानी, से कोई पानी नहीं लेता तो हम उसमें विसर्जन कर देते हैं। और आंटी ने यहाँ पे महानदी में डाल दिया था। फिर हमने कुछ साड़ियों की शॉपिंग की, तो रामा वहाँ मस्ती कर रहा था। फिर हम आ गए यहाँ स्टोर में कि कुछ राखियाँ परचेस भी कर लेंगे क्योंकि राखी आने वाली है और घर की फर्स्ट राखी है। घर की क्या मतलब, नानू निवी की फर्स्ट राखी है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बट मुझे कुछ ना समझ में नहीं आ रहा था कि कैसी राखी नूराम्मा के लिए, फिर भी जो भी दिखी बहुत अच्छी तो नहीं लगी। ठीक है, मिल गई सारी राखी और साड़ी, तो फिर हमने उसे छोड़ दिया था। फिर हम चले गए थे दूसरे शॉप, हमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। फिर ना आंटी को कुछ बेड शीट लेनी थी, तो फिर हम वहाँ आ गए। तो यहाँ पे ये देखिए, राजा साहब जो सेलिंग गर्ल थी तो वो रामा के साथ मस्ती में लगी थी और वो देखिए वो भी इंजॉय कर रहा है। उसे हमें दिखवाना था हॉस्पिटल में, बट उसे कुछ भी सर्दी खांसी उस समय नहीं थी, वो लड़कियों के साथ खेल रहा था। फिर ये था कि ना लंच का टाइम हो गया था, तो फिर हमने बोला यार लंच करना है। तो फिर हम लोग ना मार्केट से निकलते हुए साइड में जो सब्जियों की शॉप लगी हुई थी, फुटपाथ था, फिर ना लंच का टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे इंडियन कैफे हाउस। तो यहाँ पे मैंने और आंटी ने खाया था डोसा और इन लोगों ने खाया था दाल रोटी चावल। तो हमने बोला ठीक है। और ये रामा खेल रहा था, इसने ना कांच के ग्लास देखे तो एकदम तोड़ने में उतारू हो गया था। फिर हमने खाया ये डोसा। तो डोसा काफ़ी फेमस है यहाँ के, जो कटनी के हैं या चंदिया के, तो वो लोग ज़रूर, जो नहीं गए हैं, वैसे तो सारे लोग जाते ही है, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता, हम सीधे कटनी ही जाते हैं। तो हमने ये खाया जब तक इन लोग का खाना आना था, तो हमने बोला चलो साथ में खा लेते हैं। और फिर यहाँ पे आ गए हम खा पी के। यहाँ पे ना क्या था, ये माता जी के लिए ड्रेस भरवाना था आंटी को। वैसे तो आज आंटी के ही काम से हम लोग मतलब साथ में ही गए थे, तो ये ना उन्होंने चुनरी ली और ड्रेस का कपड़ा कटवा लिया था। जो हमारे यहाँ पे चंडिका माता है ना, तो उनको आंटी को मतलब ड्रेस बनवाना था उनके लिए। फिर बस हम यहाँ से ये ले लिया। यहाँ ना शॉपिंग करते करते हो गई थी शाम, टाइम का पता ही नहीं चला था। हम 11 बजे घर से निकले, 12 बजे पहुँच गए थे, फिर हमारे बस शॉपिंग स्टार्ट थी और यहाँ पे हो चली थी रात। तो क्या हुआ था ना, आंटी चाचा और ये मतलब उन्हें कुछ और शॉपिंग करनी थी तो वो उतर गए थे। मैं रामा को ना कपड़े चेंज किए, मैंने वो दिन भर से पहना था ना फुल, तो वो ना परेशान सा हो रहा था। मैंने बोला चलो मैं गाड़ी में बैठ के इसके कपड़े चेंज करती हूँ, बाकी आप लोग को जो और कुछ भी लेना तो आप ले लो। और यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये 15 अगस्त के दिन का वीडियो है, मीन सॉरी 14 अगस्त का है, कल 15 अगस्त था, तो उस दिन का है। यहाँ का ना यार शहरों की जो लाइफ होती है ना बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ दिख रही थी, बट मैं रोड में, मैंने बोला भैया थोड़ा सा चलते हैं बाहर, तो बोलते आप यहाँ कहाँ जाओगी मार्केट में। मैंने बोला सही है। और ना बहुत ही अच्छा सा लग रहा था सच्ची में। कई बार ऐसा लगता है शहर की लाइफ बहुत अच्छी है, हर चीज़ देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो यहाँ पे हर शॉप में भीड़ थी, हर जगह चहल पहल थी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख कर। फिर हम रात को घर आ गए थे, 14 अगस्त को 11 बज गए थे आते आते। और ना ये 15 अगस्त है जो कि मैं सुबह से उठ गई थी 6:30 बजे, ताकि निवी को मैंने रेडी किया। आज उसका ना डांस था स्कूल में, तो मैंने उसे रेडी कर दिया। एक्चुअली उनके स्कूल से मैसेज आया कि आप वाइट कलर की या फिर किसी भी कलर की फ्रील वाली फ़्रॉक पहनाना। तो हम निवी को ज़्यादा फ्रॉक पहनाते नहीं है क्योंकि उसकी उस पर थोड़ा कम जमती, बहुत ज़्यादा दुबली है। फिर मैंने उसे रेडी करके भेजा और यहाँ पे बनाया।
का सैंडविच, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। फिर नाश्ता बनाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाना स्टार्ट कर लिया था। एक्चुअली क्या था ना, आज बुआ और फूफा जी आ रहे थे रक्षाबंधन के लिए, तो मैंने बनाई कढ़ी। मम्मी ने बोला कढ़ी बना लेना और सब्जी वगैरह बना लेना, कढ़ी और ये पकौड़ी बना कर रख ली थी, और एक सेट बनाई दाल और राइस भी बन चुका था। ये था राइस बना के रख लेंगे, जब फूफा जी लोग आएंगे खाना होगा ना तो हम फिर राइस जीरा राइस कर देंगे। और यहाँ पे मैंने दाल बॉइल की और ना एक साइड छौंका लगा दिया था, ये बन रहा है ताकि ना प्याज नहीं डालना था आज हमें किसी भी चीज़ में। और यहाँ पे ना बुआ लोग आ गई हैं, तो बस यहाँ उनकी आके गाड़ी रुकी और सारे बच्चे ग्लैड, मतलब नानू निवी ने तो कम से कम नहीं होगा तो 10 से 11 बार कॉल करके पूछा होगा, बुआ दादी अब कहाँ पहुँची, बुआ दादी अब कहाँ पहुँची। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बच्चे। और यहाँ पे बुआ ना, मैं लेकर रामा को खड़ी थी तो बुआ उससे देख रही थी, और ये देखो भी सबसे पहले स्कूल से आ चुकी थी, फिर वो सबसे पहले बुआ दादी के पास पहुंची, और ये हैं फूफा जी। तो बस इसमें क्या हुआ था, निभी नानू भी खड़ी हुई थी बट ना वो गई नहीं वहाँ पर, यहाँ से दिख रही थी। और रामा इतना ज़्यादा ग्लैड हो गया था ना, मतलब बहुत दिनों से वो जानता, और ये नानू भी पहुँच गई बाद में। तो नानू निभी नीचे ही थे, और फिर मम्मी गई मम्मी बुआ का पानी उतारने के लिए। बुआ ने बोला देखो रामा कितना खुश हो रहा है कि वो मुझे ही देख रहा, बुआ की नज़र ही नहीं हट रही थी उसके पास से, वो इतना हर्ष रहा था ना, तो बुआ बहुत खुश हो गई थी कि मैं इसे ही खिलाने आई हूँ फाइनली, और रक्षाबंधन का रक्षाबंधन भी हो जाएगा। तो बुआ की नज़र ही बार बार ऊपर आ रही थी क्योंकि वो बहुत फिर सबका खाना वगैरह हुआ, हमने पूरा तैयार करके रखा था। बुआ राइट 2 बजे आ गई थी, तो खाना वगैरह होने के बाद मैंने चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद नानू ने भी बहुत बुआ दादी इसमें क्या है, बुआ दादी उसमें क्या। और वैसे भी जब लड़कियां मायके जाती हैं ना तो उन्हें एक एक्साइटनेस रहती है कि मैं जल्दी से जो लाई हूँ ना दिखा दूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता होगा मुझे ऐसा लगता है, बट आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये नानू ने भी बैठे थे कि बुआ दादी हमारे लिए क्या क्या लेकर आई है, तो बुआ उन्हें सारा सामान दिखा रही थी, और उनके पापा भी बैठे थे साइड में, तो उन्होंने इशारे से बोला था मेरी मत लेना। और मैंने बनाई दुकान के लिए चाय, और अगर वीडियो पसंद आए ना प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।